जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर गुलाब राय स्थित बीजेपी कार्यालय में भाजयुमो द्वारा नए मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं इस सम्मेलन का शुभारंभ पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणानी दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि आयोजित सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणानी नव मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत को गुरु बनाने का सपना 2047 तक पूरा होगा, जिसमें युवा मतदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी क्रम में उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि पहली बार मतदान करते समय राष्ट्र के विकास को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक भाव था कि जो पहली बार पूरे भारतवर्ष में वोट करने जा रहे हैं, उन सबसे वार्ता करनी है। और उसी हिसाब से हमने उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में आज नवदाता सम्मेलन हुआ है, जो पहली बार हमारा उत्तराखंड का युवा और युवती वोट करेंगे। उनसे एक संवाद हमने करने की कोशिश करी है और उनको बताने की कोशिश करी है कि आने वाला चुनाव कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, किस तरीके से देश में जो युवा लोग हैं उनकी मतदाता क्या जो नहीं बन रहे हैं उनकी हमारे उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका वोट क्यों होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं उनसे उनके बारे में उनको हमने अवगत कराया है। और उम्मीद भी यही उनसे करी है कि इस देश को अगर हमको सशक्त बनाना है, सुरक्षित रखना है और विश्व गुरु के रूप में सामने लाना है तो युवाओं को भी अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। उत्तराखंड में जो हमारा अनुमान है लगभग 1.25 लाख नए